सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो फाइनली आप लोग का स्वागत है पोकेमॉन एक्स वाई जेड के एपिसोड नंबर 30 इन हिंदी ट्रांसलेट में। तो कल जो प्रोमो आया था उसमें थोड़ा बिगड़ गया था वो, तो उसे इग्नोर करना। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ कार्पिक दिखाए जाते हैं, जो कि एक कार्पिक होता है उनसे छुप रहा होता है। असल में वो सब उसी को ढूंढ रहे होते हैं और वो कार्पिक हंस रहा होता है। तभी उस कार्पिक के ऊपर एक गेंद आके लगती है और वो गेंद होती है डिटेनी की, और डिटेनी अपनी गेंद लेने आता है तो दोनों की टक्कर हो जाती है। तभी बॉनी वहाँ पर आती है और इंट्रोड्यूस कराती है, मैं हूँ बॉनी, ये मेरा पार्टनर डिटेनी। और ये सुनकर वो बेचारा पोकेमॉन घुस जाता है गड्ढे में, और उसके बाद गाना आ जाता है। फिर हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, अ डायमंड इन द रॉक। और उसके बाद डिटेनी, मुझे पता है तुम भी गुजरा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो सभी लोग फाइनली वहीं पर आ जाते हैं। तो वो अंकल बताते हैं कि गुदरा स्प्रिंग के पास मिलेगा। तो गुदरा वहीं पर मस्त अपने पोकेमॉन्स के साथ खेल रहा होता है, तभी ऐसे से हाय कहता है और गले मिलता है और कहता है, कुछ दोस्त इवॉल्व हो चुके हैं, मिलो नए पोकेमॉन नए बॉल से। और उसके बाद वो कार्पिक होता है वो एक पोकेमॉन को परेशान करता है जिसका नाम होता है लॉटेट, और बमंडर से सबको परेशान करने लगता है। तभी ऐस उससे कहता है एक कार्पिक से, मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा परेशान करने से मना करता है। उसके बाद उसके बारे में जानकारी लेता है, बोनी के गाल लाल हो जाते हैं उसको देख के। और वो सारे जो कार्पिक होते हैं वो एक कार्पिक को ढूंढ रहे हैं जिसने अभी लॉटेट पर हमला किया था, और ऐस भी कहता है हम भी ढूंढने में मदद करेंगे। और सारे पोकेमॉन मिलके उसको ढूंढने लगते हैं। ऐस नॉइबॉल और टेरन फ्लेम को भी आसमान की सैर कराने मतलब ढूंढने भेज देता है, और उनसे कहता है कि उन्हें एक लोटे सॉरी कार्पिक को ढूंढना है। और बनल भी गड्ढे के सहारे खोदेगी और ढूंढेगी, और सब एक टीम की तरह काम करेंगे और हम लोग उसे ढूंढेंगे। तो सभी लोग अपने अपने रास्ते सबको ढूंढ रहे उसको ढूंढ रहे होते हैं कार्पिक को, पर कार्पिक कहीं पर मिल ही नहीं रहा होता है। भाई बनल भी की शकल भी हो जाती है ऐसे ही, पिकाचू बेचारा वो भी ढूंढ रहा होता है तब भी नहीं मिलता। और कार्पिक मस्त यहाँ पे खाना चुराने की फिराक में होता है, और जैसे ही एक फिरोलीसिस अपना खाना रखती है तो कार्पिक वो चुरा के भाग जाता है और निकलता है ब्लॉक साइल, और ब्लॉक साइल के एल लग जाते हैं जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था भाई। उसके बाद हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो कि कार्पिक के बारे में डेटा इकट्ठा कर रही होती है, और जैसी अपने ही सपने मनाने लगती है कार्पिक के साथ। फिर भी जैसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कार्पिक में, फिर भी वो उसे पकड़ना चाहती है। और यहाँ पर अपना जो कार्पिक होता है वो बमंडर बन के बार बार जो फिरोलेस होती है उसका खाना चुरा रहा होता है, बकरा बनना होता है अपना ब्लॉक साइल जिसने कुछ किया ही नहीं था भाई। और उसके बाद सभी लोग के बहुत ढूंढने के बाद भी कार्पिक नहीं मिलता, फिर भी सब लोग ढूंढते रहते हैं। तभी टीम रॉकेट कुछ बना रहे होते हैं, तभी उनके पास सारे कार्पिक आते हैं और उनसे कुछ बातचीत करने लगते हैं, और टीम रॉकेट भी कार्पिक को देखते हैं और कुछ पूरे इरादे बनाते हैं। हुज डैट पोकेमॉन, ये पोकेमॉन कौन सा है आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद फिर से बकरा बनने वाला होता है अपना ब्लॉक साइल, पर जे फ्लेवे बचा लेती है उसे और कहती है कि और कोई है जो तुम्हारा खाना चुरा रहा है, और वो निकलता है कार्पिक और सारी बीडर्स उसे घेर लेती है। और तभी टेलन फ्लेम बताती है कि मुझे कार्पिक मिल गया है, और बॉनी देखती है कि डिटेनी गायब है। तो बॉनी वहाँ पर नहीं जाती, और जो फिरोलिस होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कार्पिक पे। और यहाँ पर डिटेनी टीम रॉकेट को देख रहा होता है उनने कैसे सारे कार्पिक को बंद कर लिया है, और डिटेनी उनको छुड़ाने की कोशिश करता है पर फिर भी कुछ नहीं होता। और जो इनके और गोरगाइस्ट होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं डिटेनी पे, तो डिटेनी बेचारा भागता भागता आ रहा होता है। और यहाँ पर तभी हमें देखने को मिलती है टीम रॉकेट की एक नई चाल, उन लोग ने कुछ कार्पिक से एक मशीन बनाई है। तो बॉनी कहती है कि ये क्या बकवास बनाया है तुमने। तभी जो लोग कहते हैं कि ये कौन बकवास हैगा, इसमें डायमंड जैसे कार्पिक लगाए हैं एंड इसका नाम कार्पिक रोबोट एलोइज रखा है इन लोग ने, और इन लोग के जो प्रयास किया होता है इन लोग ने वो सफल होता है। और थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है पिकाचू को, पर उसका भी कोई असर नहीं होता, और पोकेमॉन्स
उसे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और तभी कार्पिक आता है और वो वाटर गन के सहारे वहाँ पर जाता है और उन लोग की मशीन तोड़ देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मशीन पूरी तरीके से चूर चूर हो जाती है, क्योंकि कार्पिक सारे कार्पिक को बाहर निकाल लेता है और सारे कार्पिक जाते हैं बमंडर बन के और पूरी मशीन की ऐसी की तैसी कर देते हैं। और इसके बाद कार्पिक खुश होते हैं और टीम रॉकेट अभी भी हार नहीं मानने वाले होते हैं, तो वो लोग एनके और गोरगाइस्ट को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो सारे जो पोकेमोन होते हैं उन पे अटैक करने लगते हैं जिन लोग, तभी गूदरा सामने आ जाता है, वो सबको बचाने के चक्कर में कुछ डैमेज हो जाता है और कार्पिक टीम रॉकेट के एल लगा देते हैं, टीम रॉकेट फिर से उड़ानचू हो जाती है। तो कार्पिक को अपना दोस्त मिल चुका है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये देखकर। और उसके बाद सारे कार्पिक को अलविदा कहते हैं, अपने दोस्तों का ख्याल रखना और उनके साथ कभी नहीं छोड़ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोगों को थोड़ा तो फ्री होना चाहिए, लीग से अच्छा आराम करना, इससे हम ज़्यादा टाइम नहीं, तुमने सही कहा, मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड कार्लोस लीग जीतूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई बैटल कर रहा है और वो होता है अलान, जो कि बैटल कर रहा है अपने थर्ड जिम बैच के लिए और उसने लुकारियों को मतलब मेगा लुकारियों को हरा दिया है। ये रहा तुम्हारा थर्ड बैच रंबल बैच, इसके बाद तो तुम शायद कार्लोस लीग में जाने वाले हो ना? हाँ मैं वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। तो यहीं पर फाइनली एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। और गाइस अगले हफ्ते 3 एपिसोड ऐसे आने वाले हैं कि एक दिन सोमवार को छोड़ के बाकी हर दिन प्रोमो और एपिसोड आने वाला है, तो ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।